तो दोस्तों आज मेरे पास जो है एम्पलीफायर आया हुआ, तो पी प्लस की तरफ से ये 350 वाट का एम्पलीफायर है। तो ये एम्पलीफायर आज मेरे पास आया हुआ, इसे ही मैं रिपेयरिंग करूँगा। तो इसकी आपकी जानकारी दे देता हूँ मैं, ये 350 वाट का होता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था, कस्टमर ने मुझे बताया कि ये एम्पलीफायर में दो जगह देखा छुपा हूँ, इसके बाद भी ये एम्पलीफायर 15 से 20 मिनट चलने के बाद बंद हो जा रहा। तो इसमें बंद होने का कारण था इस साइड जो आप देख सकते हैं, इधर जो मॉस्फेट यानी कि ट्रांजिस्टर 5200 लगे हुए थे, तो यहाँ के मैंने ट्रांजिस्टर अभी चेंज कर दिए हैं आप देख सकते हैं, और इस साइड के मॉस्फेट जो बिल्कुल आपके ओके थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या बन रहा था, इसमें प्रॉब्लम था आपके ड्राइवर बोर्ड का। तो इसको पहले रिपेयर किया किसी दूसरी दुकान पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 ओम का नया रेजिस्टेंट लगा हुआ है, एक और इधर यहाँ पर भी 27 ओम का नया रेजिस्टेंट है जो कि सही लगे हुए हैं। इसके अब मैंने ट्रांजिस्टर चेक किए तो इसमें ट्रांजिस्टर भी दोनों ओके थे, 18 चेक किया ये भी ओके था, इधर 4060 ट्रांजिस्टर लगा हुआ ये भी ओके थे। इसके बाद भी इसमें फॉल्ट आ रहा था कि 15 से 20 मिनट चलने के बाद एम्पलीफायर शॉर्ट हो जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को समझने में थोड़ा दिक्कत आता है और रिपेयर करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसका जो है ऐसा प्रॉब्लम कब बनता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं NTC इनको बोला जाता है, ये NTC अब मैंने इसके निकाल दिए, आप देख सकते हैं ये 101 नंबर का NTC ये है। तो ये दोनों के कलेक्टर के इस पर वोल्टेज आती हैं, दोनों के कलेक्टर पे वोल्टेज आएंगे बीच की पिन पे, जे इसका बेस पेन और जे इसका एमीटर पे। तो जे इसके एमीटर आउट रहता है ना 30-55 का, ये इसके 5200 के बेस पर जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें रहता है, इसमें से दो फीडबैक निकलती हैं, एक इस चैनल के लिए एक इस चैनल के लिए। तो इसका बायसिंग बोल्ट जो था ये तो ओके था, लेकिन इस प्रकार इस साइड का जो बायसिंग बोल्ट है इस साइड से ज़्यादा आ रहा था। ऐसे मान के चलिए कि इधर एक बोल्ट तो इस साइड 0.5 बोल्ट, जो कि मैच नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैंने इसके ये दोनों NTC चेंज किए, ये वाला और ये वाला, वो अब जी एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका है। इसे मैंने आधे एक घंटे चला के भी देखा, दोनों ही पैनल एकदम नॉर्मल हीटिंग पे हैं, वो जी एम्पलीफायर अपना कंप्लीट हो गया। मैं इसकी टेस्टिंग वीडियो भी दिखा दूँगा, मैं आपको इसके NTC को चेक करके दिखाता हूँ। तो मीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज में रखा है, ये एक NTC मैंने लिया, इस NTC को मैं चेक करूँगा, आप देख सकते हैं इस पर चेक करने पर आपका 445 ओम्स दिखा रहा है। तो इसे अपन रख के अब दूसरा वाला चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 ओम्स आ रहा है। तो इन्हीं का ही प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो ये एम्पलीफायर में मैंने ये दोनों ही NTC को चेंज किया, 101 नंबर के होते हैं, और ये एम्पलीफायर अपना बिल्कुल ओके हो चुका है। तो कुछ फॉल्ट ऐसे आते हैं जो कि बहुत देर में समझ में आते हैं। ये प्रीसेट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये प्रीसेट आपके बेस के वोल्टेज को सेट करने के रहा रहता है। इस एम्पलीफायर में 0.7 वोल्ट बहुत ही अच्छा चलता है, ये एम्पलीफायर 0.7 बेस पे एक नंबर क्वालिटी इस पर आती है। यहाँ पर जो वायर देख पा रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, ये फीडबैक का वायर है, किसी भी वजह से अगर जो फीडबैक का वायर डैमेज हो जाता है या कहीं से ख़राब हो जाता है, ये वायर जहाँ से जा रहता है ये आप देख पा रहे हैं, तो इसमें साउंड नहीं बनता। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के फॉल्ट में कभी उलझें तो आसानी से उसे रिपेयर कर सकें।